चेशायर होम रोड जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामले में न्यूक्लियस मॉल के मालिक व रियल एस्टेट कारोबारी विष्णु अग्रवाल सोमवार को ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। ईडी की टीम कारोबारी विष्णु अग्रवाल से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ कर रही है। इस मामले में तीन अन्य लोगों से भी ईडी पूछताछ करने वाली है, जिसमें राजेश राय, लखन सिंह और भारत प्रसाद का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक ईडी सभी से निलंबित आईएएस छवि रंजन के आमने सामने बैठकर पूछताछ करेगी। ऐसा इसलिए कि कोई भी अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज न कर पाए। मालूम हो कि जमीन घोटाले मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना के कब्जे वाली जमीन प्रदीप बागची से खरीदने वाले जगत बंधु टी स्टेट के मालिक दिलीप घोष से भी ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने दिलीप घोष को पूछताछ के लिए 10 मई को बुलाया है। मालूम हो कि प्रदीप बागची ने इस जमीन को महज 7 करोड़ में बेची थी, जबकि खरीद बिक्री के समय सरकारी दर के अनुसार उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए थी। वहीं दिलीप घोष ने महज 25 लाख रुपए ही प्रदीप बागची के खाते में भुगतान किया था। शेष राशि फर्जी तरीके से विभिन्न चेक के माध्यम से भुगतान दिखाया था। ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर ईडी पूछताछ करेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।